नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां बीते 7 सितंबर को हैवानियत का शिकार हुई बच्ची से मिलने उसके ननिहाल पहुंचे जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी। इस दौरान उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये लायंस क्लब की तरफ से, अपने और अपनी पत्नी की तरफ से 10,000 रुपये और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की तरफ से जुटाए गए 5,000 रुपये की धनराशि दी। साथ ही साथ दोषियों को जल्द पकड़ने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने मऊ की जनता से भी अपील किया कि वे आगे आकर पीड़ित बच्ची की मदद करें। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, आज मिलने गए थे आप? सर बताइए, सर मिलने गए थे आज? आज जो ये बिटिया के साथ एक दुर्घटना घटी थी, तो संवेदना के स्तर पे हम सभी आहत है। तो उसकी फौरी तौर पर मदद के लिए राइफल क्लब से 50,000 रुपये उसमें दिया गया है। 5,500 रुपये हमारे कुछ कर्मचारियों ने पैसा के तौर पर उसको लिए इलाज में दिया है, और 10,000 रुपये हमने और पत्नी ने हमारे मिल करके हम लोगों ने इसकी मदद किया है, जिससे कि इलाज में आने जाने में रहने में दिक्कत हो। फिर रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना के अंतर्गत भी इसका ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, तत्काल एक दूसरे के अंदर वो भी भेज दिया जाएगा, उसमें भी आर्थिक मदद इसकी कराई है। सर, 15 दिन बीत गए घटना को, अभी तक दो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? आरोपी से गिरफ्तार होगा, अभी यहाँ गायब है, लोकेशन उसकी पुलिस ट्रेस कर रही है, लगी हुई है, जल्दी शीघ्र गिरफ्तार। सभी अपने नगरवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस परिवार की मदद के लिए लोग आगे हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक क्रांति, उसमें सब समाज को सहयोग करना चाहिए, वो लोग उसके हाथ में मदद करें, एक मेरी अपील है। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।